हेलो गाइस, वेलकम टू माय शो। हमारे जो आज के गेस्ट है, ही इज अ वेरी फेमस बॉलीवुड एक्टर। आपने उन्हें चिड़ियाघर, नागिन प्यारी, इच्छा प्यारी नागिन, एक था राजा एक थी रानी, और बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा। वो हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। प्लीज वॉच, शेयर एंड कमेंट। और साथ में जो मेरे शो की थीम है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। गुड इवनिंग सर, वेलकम टू माय शो। आपने थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसा कि आप जानते हो मेरे शो की थीम है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया हो जब आपने कोशिश की हो और आप सक्सेसफुल रहे हो, तो प्लीज बता दीजिए सर। देखिए, जब जब मतलब हम जहां से शुरू करते हैं वहां से जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं उसके लिए बड़ा थोड़ा थोड़ा वक्त लग जाता है। जी पर जी जब आप सोचते हैं, शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आपको देखने को मिलती हैं। जी सर, लाइक सबसे पहले फैमिली के क्या करना है, एक्टिंग करनी है, तो उनको जी थोड़ा वो लगता था कि यार एक्टिंग करनी है मतलब क्या तो उसके अकॉर्डिंग जो चीज लगा मन, क्योंकि वो चीजें यहाँ से उठ के मुंबई जब हम लोग गए, मतलब मैं गया जी और जी मेरे बहुत सारे जो बैच से थे, क्योंकि हम लोग जी थिएटर से बैकग्राउंड था, तो वहां से जी कई सारे लोग वहाँ हम लोग मिले और उस तरह से एक जी एक धीरे 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 समझ में आया चीजें और फिर काम चलता रहा थोड़ा थोड़ा, अच्छा चला। सीरियल्स जी के रिगार्डिंग सीरियल्स का रहा, वो थोड़ा ठीक रहा। जी सर, आपने सबसे और पहले एक्टिंग सीखी सर, एक्टिंग कहाँ से सीखी? फिर नेचुरली एक्टिंग करते हो आप, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हो। मैं आपको फॉलो करती हूँ एक्चुअल में। अब ये ना टाइम के साथ ही प्रोफेशन ही हो गया, तो वो जी आपका प्रोफेशन, वो आपको करना है जब जब आपको आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जहां जहां या जी जिस जिस जी कैरेक्टर में आप। वैसे एमए थिएटर मैंने किया है चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर। तो जी वहाँ जी पे 2 साल का, 2 साल का आपकी आपकी डिग्री होती है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, लाइक जी जी एक्टिंग, एक्टिंग के साथ साथ बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं उसमें 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 थांगता है, फाइट आर्ट फॉर्म्स हैं और जी जी योगा। मतलब हमने वहीं से सीखा कि एक एक्टर के लिए ना 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं, उसका दिमाग, जी जी उसकी उसका माइंड, उसकी आवाज जी जी और उसकी बॉडी। सो जी इन तीनों चीजों की वहां पे डेली क्लासेस रहती थी और ये एक जी प्रोसेस रहा जहाँ से काफी सारी चीजें सीखने को मिली। और उससे पहले जी शुरुआत तो बहुत पहले से ही कर दी थी, खैर जननाट्य मंच यहाँ पे, और वो स्ट्रीट प्ले करता था वो तो सोशली इश्यूज बहुत सारे, जी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया समाज के लिए भी, जी और नाटक के माध्यम से बड़ा एक एक अच्छा मैसेज और जी बहुत कुछ नहीं किया, तो वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जी सर, आपने एक्टिंग ही चूज क्यों की सर? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। आपका कोई मतलब आइडल रहा हो, या कुछ ना कुछ होता है जो हमारे जो हम फॉलो करते हैं, या फिर आप बचपन से ही एक्टिंग करते थे? खैर कुछ कुछ हर कोई ना कुछ ना कुछ, मैं ऐसा था कि मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग करूं, जी तो ऐसा अलग मुझ में कुछ था नहीं, जी तो मुझे लगा कुछ कुछ अलग होना चाहिए, कुछ कुछ हटके होना चाहिए। बट जब जी ये फील्ड फील्ड लगी, मतलब कुछ कुछ चीजें अच्छी रही मेरे साथ शायद, है ना, बहुत जी सारी लोगों का मिलना, चाहे वो चाहे जब जी जब आप
आप काम काम के लिए जाते हो, क्योंकि जी जब आप काम के लिए शहर छोड़ते हो इट मीन्स कि आप मुंबई में जा रहे हो, और वहां पे बड़ा एक एक मुश्किल भी रहती है और जी बहुत तरह की रहती जी है। जी तो उसके अपोजिट यही रहा कि बस फिर एक्टिंग में जब धीरे धीरे करने लगे, कॉलेज लेवल पे करने लगे, फिर एमए जी फीस में कर लिया, तो फिर प्रोफेशन वाइज ही से चुना कि अब तो जी प्रोफेशनली ही यही करना है। और फिर अच्छा लगने जी लगा जब जब चीजें आपको आपको मिलती हैं, तो थोड़ा थोड़ा इंसान खुद भी मोटिवेट होता है कि हाँ यार मुझे जी ये चीज मिली, यार वो भी हो सकता है, अगर अगर ये हुआ है तो वो भी हो सकता है। तो ये कि जी चलते वैसे रहना, एक चलते रहना चाहिए अपना काम एक एक पकड़ के, और अब तक यही सी इसी विधा विधा पे ही और अच्छा रहा। सर, आपका कॉलेज टाइम का कोई फनी मोमेंट, बेस्ट मोमेंट हो सर, प्लीज शेयर कर सकते हो, जो कॉलेज आपका टाइम फनी में, मोमेंट मेमोरीज रही हो हाँ आप स्ट्रेस। कॉलेज टाइम में ये है कि आप मस्करी करते हो, लोगों के साथ छेड़खानी करते हो, एक्टिंग करते हो। जैसे एक हमारे टीचर थे, वो आते थे तो वो सामने आते थे हमारी रिफ्रेशमेंट के लिए, और हम पीछे से करते रहते थे बाल, मतलब सर आ गए, वो उनके थोड़ा बालों का स्टाइल था, तो वो वाह सब वो रहते। बट डिपार्टमेंट में मैंने बहुत ज्यादा मतलब एक फनी मोमेंट्स भी रहे, और लाइफ के वो बहुत अच्छे अच्छा टाइम रहा। जी एमए जी जब से किया और बहुत कुछ सीखने को मिला वहां से, जी बहुत जी अच्छे टीचरों का भी एक एक रोल रहता है, तो वहां पे भी सर थे महेंद्र सर, उनसे बहुत कुछ सीखा। जी नीलम जी मैम है वहाँ, और उनसे भी बहुत कुछ जी सीखा, मतलब एक 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 अलग परिभाषा दी उन्होंने, समझाया कि होता क्या है ये चीज। उससे जी पहले तो सर यही था आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, फिर थोड़ा थोड़ा ठीक रहा। जी जी सर आपके फर्स्ट गुरु कौन थे, जो जिन्होंने आपको एक्टिंग सिखाई सर? फर्स्ट फर्स्ट गुरु तो मैं एक मेरे एक दोस्त थे, वो जी अक्सर मिलने आते थे, कुछ काम वगैरह होता था उनको, तो उस वक्त मैं इस फील्ड से जुड़ा नहीं था, तो वो जनाट्य मंच एक है और बड़ा अच्छा, कई सालों से एक्टिव है वो ग्रुप और बहुत अच्छा काम करता है। तो वो उनसे जुड़ा हुआ था, तो वो एक दिन आया मेरे पास और कहता कि आप अनिल यार एक एक वर्कशॉप जब मैं वो वर्कशॉप अटेंड करने गया तो मुझे बड़ा मजा आया, और जी कुछ कुछ अलग था, और पहला नाटक मेरा शायद वो सद्गति था, जो जो जी मैंने जनरेटे मंच में ही किया। जी उसमें एक पंडित का करेक्टर था जो थोड़ा मतलब थोड़ा क्रूर टाइप होता है, हालांकि मैं थोड़ा बहुत उसे उसे कैरी कर पाया था, थोड़ा बहुत नहीं मतलब जी भूल भी गया था पहली परफॉर्मेंस में, और उसके बाद जी थोड़ा थोड़ा समझ में आता रहा, अच्छे लोगों से समझ में आया, जी और फिर बस इसी पे। जी सर, आप कुरुक्षेत्र से हो, वहां की स्पेशलिटी वैसे तो सभी को पता है, फिर भी आप बताओ कुछ वहां पे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छा जी है, ब्रह्म जी सरोवर यहाँ पे फेमस है क्योंकि, और शक्तिपीठ जो 51 शक्तिपीठ है माता के, उसमें से भी एक मंदिर माता भद्रकाली का यहीं पे है। जी जी गीता, भगवत गीता पूरे पूरे विश्व में पढ़ी जाती है, तो वो जो उसका उपदेश श्री कृष्ण ने यहीं पे दिया ज्योतिषर ने, ये थोड़ी जी थोड़ी दूरी पे, तो ये आसपास का एरिया ही है जहाँ पे मतलब बचपन से भी रहा सुनने में, और मान्यता भी यही रही कि यहाँ पे जी महाभारत के युग से लेके, और बहुत बहुत एक एक प्राचीन इसकी एक हिस्ट्री है बड़ा। जी जी आपको कैसा फील होता है कि आप इतने अच्छे भगवान की धरती, मतलब वहां पे मेन वो, जब भी इतिहास में कभी नेम लिया जाएगा गीता का, तो आपको कैसा फील होता है कि भाई यहाँ पे जन्मा हूं, तो कैसा प्राउड फील करते हो सर आप? प्राउड तो फील होता है क्योंकि क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, और हम तो यहीं पे ही रहे स्टार्टिंग से, और पैदा यहीं पे हुए, और एक जी अच्छा एक में रहते ही है, तो जी सर
और जितने भी बड़े बड़े आप सूर्य ग्रहण का मेला, फिलहाल तो शायद लॉकडाउन के कारण थोड़ी प्रॉब्लम थी, वरना बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत बहुत लोग आते हैं। जी सर, एक बार आई थी मैं एक्चुअल में वहां सूर्य ग्रहण के दौरान, तो बहुत मुझे अच्छी बहुत जगह अच्छा लगा, बहुत अच्छा। सर आपका जो कुरुक्षेत्र टू मुंबई का सफर कैसा रहा सर? जब आप स्ट्रगलिंग डेज में मुंबई का कैसा आप वहां गए, कैसे आपका जो फर्स्ट ऑडिशन था वो कैसा रहा सर? मतलब। हाँ, मतलब बहुत सारे चीजें जब शुरू हुई तो एक दिन जी कहा कि यार मुंबई चलते हैं और जी आप कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि जी एमए थिएटर पास जब मैं हुआ तो उसके बाद जी तो लगा कि यही फील्ड ही चुनना है और आगे देखते हैं होगा क्या। बट यहाँ से जी जाने की जो मुश्किलात रही वो बहुत ज्यादा रही, क्योंकि आप, क्योंकि सबसे पहले तो वो आप घर वालों को सेटल करते हो, क्योंकि क्योंकि आप बहुत चहेते होते हो, है ना, पेरेंट्स के जी भी, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं चाहते कि वो आप मतलब दूर जाए, आप उनसे दूर जाओ, तो उनको जी कन्विंस करना चाहिए। और जब आप नए शहर शहर में जाते हो तो जाहिर सी बात है कि एक तो एटमोसफेयर वहाँ का बहुत अलग होता है लोगों की, जी मतलब यहाँ के मुकाबले। मैंने वहाँ पे बहुत, जब मैं उतरा तो मैंने देखो इतने सारे लोग ही लोग, जी मतलब सब जगह लोग ही हैं, जी तो आप वो क्या करें। जी तो धीरे धीरे समझ में आई चीजें, सेटल हुए वहां पे तो पता लगा कि जी ऑडिशंस कहाँ पे होते हैं, तो डेली जाना तैयार करके बैग वैग लेके, आज वहाँ ऑडिशन है और आज वहाँ ऑडिशन है, और कई जगह तो ऐसे ऐसे मतलब एकदम ही हो जाता था कि यार कोई ऑडिशन नहीं है ना। जी और लाइक से मैं एक वाकया याद है मुझे कि सीआईडी जो जो शो था जी जी उसके ऑडिशन के लिए हम लोग, आई थिंक मार्च चल रहा था तो जी गए, तो उन्होंने ऑडिशन के लिए बोला कि दिसंबर में आना। मैंने कहा जी मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर, तो दिसंबर दिसंबर में सिर्फ ऑडिशन देने के लिए आए हैं तो। जी और जब आप वहाँ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें और भी होती हैं कि आप सबसे पहले वहाँ स्टे करें, जी स्टे करेंगे आप तो आप, क्योंकि ये फील्ड एक एक ऐसी है, ये जी अलग जी जो भी हम लोग काम करते हैं। और प्रोफेशनली मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें कि जी अगर आप 2 दिन भी काम कर रहे हैं तो आप पूरा पूरा महीना आप मतलब एक एक अच्छे से एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगा पर्सनली। और जी बाद में एक थिएटर के साथ कनेक्शन रहा ही, तो जी बाकी मुंबई में जैसे भी काम मिलते रहे और थोड़ा थोड़ा करके होता जी रहा, होती रही। से पहला आपका शो कौन सा था सबसे जो पहले तो मैंने किया आपका? था सावधान इंडिया, किया था उसमें नेगेटिव, मैक्सिमम जो मेरे करेक्टर्स रहे वो नेगेटिव रहे, और हालांकि जी जी मतलब जो मेरा शारीरिक हाव भाव है और जो जो मेरा वो है तो वैसा कुछ है नहीं, जी बट होता रहा वो, नेगेटिव नहीं चलता रहा। और चलना जी और मेरे लिए उस वक्त का चलना बड़ा जरूरी था कि आप यहाँ पे रहें, काम तो जी आप जब जी करेंगे, जब आप और एक्टिंग ही की वहां पे, और जी बाकी नेगेटिव ज्यादा रहे कैसा करेक्टर्स। रहा सावधान इंडिया में जब आप सावधान शूटिंग? 4 दिन, वो पहला काम मेरा 4 दिन चल गया था तो थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सबसे जी पहली बात ये थी कि आपके अंदर एक ना क्रेज होता है कि यार या टीवी पे आएंगे हम, तो वो क्रेज धीरे धीरे, फिर वो चीजें समझ में आती हैं तो वो एक प्रोफेशन में तब्दील हो जाती है, फिर जी वो क्रेज नहीं। तो उस वक्त तो मुझे बड़ा क्रेज था, वो भाई साउथ इंडिया ये भाई कहाँ, अच्छा चलो तो भाई भाई इतने बजे आएगा भाई देखियो, तो जी ये सब चीजें एक्साइटमेंट होती हैं उस वक्त। तो फिर आप जैसे जैसे जाते हैं, काम करते हैं, समझ में आता है यार प्रोफेशनली ये एक चीज है, तो बहुत बहुत अच्छी फील्ड है। जी मतलब जितने भी फील्ड मैंने देखी, जितने भी लोगों से मिला, और ये जी फील्ड मुझे बड़ी अच्छी प्रोफेशनली, ये एक 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 अच्छा पैकेज आपका हो सकता है अगर आप जी कंटिन्यूटी में काम करते। जी जब आपका शो आप टीवी पे आए फर्स्ट टाइम, तो आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन रहा फिर आपके पेरेंट्स का और आपका? नॉर्मल रिएक्शन ठीक है, आ गया ठीक है, तो वो भी थोड़ा मतलब एक 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 चीज चाहते हैं सभी जी लोग। हाँ जाहिर सी बात है कि उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार टीवी पे तो आ गया, और उसके बाद
धीरे 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 थोड़ा थोड़ा ठीक लगा, दोस्तों को बड़ा अच्छा लगा, और जी जितने भी टीचर्स मेरे साथ जुड़े हुए थे पहले, उनके साथ जी मतलब सबके साथ एक कनेक्शन हो गया दोबारा जी से। तो जी 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 सबका या मैसेज आता है या कॉल आता है, यार तू वहां कर रहा है, अच्छा है, अच्छा लगता है। तो एक लाइफ के अकॉर्डिंग बड़ा अच्छा लगता। जी जी राइट सर, आपने उसके बाद नेक्स्ट शो में भी किया है सर, वैसे बहुत सारे शोज किए सर, और नहीं अभी इच्छा प्यारी नागिन आई थिंक यही नेम है, सब टीवी पे आता था, उसमें भी आपने जी काम चिड़ियाघर किया है, चिड़ियाघर, एक था गरिमा राजा एक थी प्रोडक्शन, रानी। गरिमा प्रोडक्शन के साथ बहुत सारा काम रहा। वो उन्होंने बहुत काम मतलब वो इनवाइटेड मतलब वो हर दूसरी तीसरी एपिसोड में होते ही तो करेक्टर्स होते जी थे बहुत सारे, तो एक मजा भी आता था कि यार क्या है। मतलब वहीं पे जब मैं गरिमा प्रोडक्शन के साथ काम किया तो समझ में आया कि यार मतलब वहां से पता लगा कि फेस हमारी आंखें भी बोलती हैं। जी तो जी धीरे धीरे वो भी समझ में आया कि आपके एक्सप्रेशन कैसे कैसे जा रहे हैं। तो गरिमा प्रोडक्शन के साथ जी भी एक अच्छा रिलेशन रहा, वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और उसके बाद वो जी अप्लाई भी बहुत सारी जगह। उसके बाद ये होता है कि आपकी एक छोटी छोटी करके एक ना प्रोफाइल गेन हो जाती है, जिसके जी जरिए जी फिर काम फिर जी ठीक। जी राइट जी, आपने एक था राजा एक थी रानी, उस पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, वो उस टाइम में बहुत देखती थी वो उसमें सीरियल, अब्दुल अब्दुल एक कि मुस्लिम आप करेक्टर था तो जी, आपका वहां और कुछ मस्त या कुछ मेमोरीज वहां को कुछ शेयर करना चाहोगे सर? सॉरी आपने जो एक था राजा एक थी रानी सीरियल में काम किया है, वहां पे जो आपकी मेमोरीज सेट पे मस्तियां हाँ, जो अपने को एक्टर के साथ। वो दरअसल डायरेक्टर्स जिस भी सेट पे जाते थे, हमें हमें अलग अलग डायरेक्टर्स मिलते थे। किसी का जी टेस्ट जी कुछ है, कोई एपिक कर रहा है, मतलब उस टाइम पे जब हमारा स्टडी पीरियड चल ही रहा था कि आप समझे पहले कि क्या चीज है वो, है जी ना, क्यों होती है इस तरीके से होती है। तो कई डायरेक्टर्स होते थे, जैसे एक तरह राजा किरण में बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, बहुत उन्होंने जी समझ के काम काम लिया हमसे, और अनीता राजजी भी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, और जी उनके साथ भी दो तीन मतलब स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, दो तीन टेक उनके साथ थे मेरे, और तो बड़ा जी अच्छा जी लगा उनके साथ काम हुआ। और डायरेक्टर बड़े अच्छे थे, जैसे हालांकि मैं जी थोड़ा माइंड से नाम स्किप कर रहा हूँ, बट उनके साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा काम। जी जी कोई फनी मोमेंट रहा हो सर जब आप एक्टिंग कर रहे होते, या कुछ फनी मोमेंट रहा हो आपका? नहीं है क्योंकि देखिए ये थिएटर जैसे, ये थिएटर की तरह नहीं है, ये थोड़ा लाइव जी नहीं रहता, इसमें रीटेक्स हैं। तो आप मान लीजिए कोई सामने खड़ा है तो फंबल हो जाता है कभी बार, हेलो मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जी डायलॉग भूल गया, तो उन्हें फिर वो रीटेक देना पड़ता है, जैसे मास्टर लगता है, एक कैमरा पीछे लगा है और कंप्लीट। तो एक एक सीन को सीरियल्स में तो ऐसा रहता था कि एक एक सीन को आप दो दो बार कर रहे हैं, जी एक में जी आपके क्लोजअप जा रहे हैं और एक में आपका मास्टर जा रहा है कंप्लीट, जो कंप्लीट कास्ट जी कास्ट उस फ्रेम में रहती है। जी तो जी फनी यही फंबल्स होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ठीक रहता है। बाकी फनी ज्यादा हमारे ये रहते थे ऑडिशंस के, ज्यादा रहते थे कि आप ऑडिशन देने जी के लिए जा रहे हो, आई एम फिट सर, तो किसी जगह हम लोग मजाक कर दिया करते थे, सर क्या हुआ सर मैं फिट हूँ क्या नहीं। तो बड़े मोमेंट्स रहे वो भी, और जी अच्छे रहे, अच्छे। जी आपने चिड़ियाघर जो काफी हिट हो रहा है, चिड़ियाघर, उसकी कुछ यादें हो सर, कुछ फनी उसमें मोमेंट दरअसल हो? हम दो दो कॉमेडियन चोर होते हैं, दरअसल हम लोग चिड़ियाघर में चोरी करने आते हैं, और एक 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 डॉग था जिसके साथ हमारा सीक्वेंस था, उस डॉग को हमारे पीछे भागना था, तो हमें डर भी जी लगता था कि यार ये भाई टांग वांग ना पकड़ ले कुछ, मतलब काफी सारी चीजें होती हैं, भाई ये ठीक है ना, भाग लेगा ना हमारे पीछे, कहीं ये टांग ना पकड़ ले। तो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं, और उसमें तो कास्ट भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे जी उसमें, और जी राजेंद्र गुप्ता जी हैं जो जो थिएटर के तो है ही हैं, और जो बाबूजी बने हैं, और भी बहुत जी सारे लोग उसमें जिनके साथ एक जी अच्छा रहा। उन्होंने कभी भी हमें हम जैसे हम लोग नए, वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं लगातार, है ना,
जी और जो कोई भी नया नया सेट पे आता था तो एक अच्छे ढंग से हक करना, बात करना, बातचीत करना, जी कंफर्टेबल करना, रिहर्सल करना बैठ के सीन से पहले, और रिहर्सल के बाद जी फिट है। और ऐसे ही जी सीआईडी में भी रहा, और उन्होंने बड़ा बड़ा उनके अंदर कुछ था ही नहीं, जैसे मैं बचपन से ही सीआईडी देखता आ रहा था टेलीविजन पे, जी जी तो मैंने एक रहता यार यार गया आएगा भाई, गया आएगा सामने भाई, तोड़ देगा भाई, तो ऐसा कुछ तो उन्होंने बड़ा बड़ा एक बड़े कंफर्टेबल करवाते थे, तो जी उनमें उनमें एक 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 स्टारडम एक चीज होती है ना, वो बिल्कुल डाउन टू जी अर्थ, क्योंकि वो लोग मैक्सिमम लोग वो थिएटर से थे, थिएटर के जी बैकग्राउंड जी से, उनके अंदर उन्हें पता है कि एक एक, एक चीज कैसे क्रिएट होती जी है। तो और ऐसे से सर बहुत आपकी फरी नागिन का कोई फनी मोमेंट, वो भी बहुत फनी सीरियल था, इच्छा प्यारी नागिन। इच्छा प्यारी नागिन का बड़ा बड़ा अच्छा गया। उसमें उन्होंने कहा एक एक करेक्टर था जो वो जो पूरे परिवार का वो मतलब उल्लू काटता है, उल्लू बनाता है, ठीक है, जी और जी डरा देता है, वो देखने में मतलब शातिर टाइप में कुछ है, और वो जीभ भी निकालता है, जैसे डायरेक्टर थे उनके बड़े, और उनका जो डायरेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने उन्होंने निकलवाई वो चीजें अंदर से जी कि अभी आपको ये चीज करना है ना, डरा दो उन्हें, तो जी किसी से अनाउंस हुआ तो एक्सप्रेशन वो चेंज करना, अच्छा ये वो ये अच्छा, और जी वो उसका कुछ कॉमेडी वो था कि उन्होंने मुझे कहा, मेरी एंट्री हुई करेक्टर की, तो उन्होंने कहा आपके डायलॉग्स हैं झूम झूम के झूम लूं, घूम घूम के घूम लूं, तो मैंने एंट्री ली, मैंने कहा झूम झूम के झूम लूं, घूम घूम के घूम लूं, तो उन्होंने कहा अनिल जी बाहर निकाल सकते हैं इसके साथ, मैंने कहा सर कैसे ऐसे, कह रहे हाँ जी ऐसे ऐसे, तो वो कंबाइन हो जाती है चीजें, तो फिर उन्होंने कहा कि फाइनल है, तो उसके बाद वो चलता रहा, और वहां से जी हालांकि मेरा ट्रैक एक ट्रैक लगा था इसमें, तो ट्रैक के बाद वो मेरा 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 खत्म हो गया था, तो उसके बाद जी इनका मुंबई में रहना शायद वो है ट्रैक आगे बढ़ सकता है, तो मैंने कहा सर मैं जी अभी मुंबई में, और बड़ा अच्छा लगा, फिर उन्होंने उन्होंने आगे आगे करेक्टर को डेवलप किया, और वो बहुत लंबा काम जी चला, बहुत फिर आप शूटिंग कर रहे हो और अच्छा लगता है। जी जी सर, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो स्क्रिप्ट हाथ में हो और कभी आप भूल गए हो स्क्रिप्ट लर्न मेरे करना? साथ जी मेरे साथ हुआ, मेरे साथ इच्छा प्यारी नागिन में ही हुआ, क्योंकि जी वो बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स थे उनके, और शेड्यूल होते हैं उसमें जी कि जी आप कितने शेड्यूल अभी कवर करेंगे, है ना, तो उसमें सीन होते हैं जैसे एक दिन में मैक्सिमम 2 से 3 सीन शूट होते हैं, है ना, जी अच्छे से अगर कोई मतलब, तो वो एक दिन था तो जो जो उसमें इच्छा थी, इच्छा इच्छा जो करेक्टर कर रही थी इच्छा, तो उनका जी उनका उससे अगले दिन कोई अलग शेड्यूल था, तो दो दो तीन तीन सीन हमें एक साथ करने को मिले, कि एक ही दिन में जी हमें कंप्लीट, तो उस दिन हमें कम से कम 6 सीन मिले, तो पहले 4 सीन ठीक गए, उसके बाद सीन शुरू हुआ और मैं ब्लैंक जी तो ये भी रहा, बट उस उनके डायरेक्टर ने मुझे बड़ा बड़े अच्छे ढंग से एक किया, अनिल ये है ऐसे नहीं तो ऐसे दे दो, तो जी एक जी एक डायरेक्टर के साथ एक एक आपकी बातचीत होती है, सर इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्या मैं इसको इस जी ढंग से कर लूँ, तो उन्होंने कहा जी कैसे, तो मैंने कहा इसको मैं ऐसे करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है इसे ऐसे कर लूँ, तो तब फिर वो एक स्मूथ स्मूथ गया है, और जी बड़ा अच्छा जी जी एक्सपीरियंस रहा, बहुत जी एक अच्छे बजट के साथ और अच्छी कास्ट के साथ, और उस टाइम पे बड़ा अच्छा शो वो चल रहा था सब टीवी फेमस। जी जी सर, आप डायरेक्टर भी हो सर, आप कुछ बताएंगे आपके मन में जी कैसा वो है डायरेक्ट, आप एक्टर तो हो ही हो, डायरेक्टर भी हो के अकॉर्डिंग और दरअसल मैं सिनेमा के लिए और कैमरा के लिए मैंने कभी नहीं किया, जो मेरी पर्सनल जी सेटिस्फेक्शन है वो मेरी स्टेज पे है, अगर एज एन एक्टर मैं जी बताऊं, एज एन एक्टर तो नहीं, एज एन डायरेक्टर तो मेरी मतलब डायरेक्टर क्या, वो बच्चों के साथ मैं काफी काम किया था, दरअसल मैं टीचिंग से जुड़ा रहा था और थिएटर ही बच्चों को पढ़ाता था, पढ़ाया जी जी बच्चों को कई साल पढ़ाया, तो एक एक मन में एक रहता है कि इसे ये एक स्टेज है तो इसे ब्लॉक करना है, जी तो वो जो प्रोसेस है उसके साथ एक एक लगाव रहा हमेशा से, तो जी उसमें जी पर्सनल जो सेटिस्फेक्शन है वो मुझे थिएटर में ही मिली, जी और बाकी कॉलेज सर के साथ आप बहुत काम।
जी। सर आपका फर्स्ट स्कूल जहाँ पे आपने एक्टिंग सिखाई हो आपको याद हो तो? मैं दरअसल मैं उस वक्त एमए थिएटर ही कर रहा था जब मैं कालका जी कॉलेज वहाँ जी पे मैं जाता था, और जी जी उस ईयर उनका उनका एक अच्छा ठीक रहा। थिएटर थिएटर की जो जी एक्टिविटी थी डेवलप, क्योंकि बहुत सारी जगह थिएटर डेवलप भी नहीं था, जी जी वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो डेवलप होती रही चीजें। जी तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर, जब आप कॉलेज में जाते थे एक्टिंग सिखाते थे तो कैसा रिस्पांस मिलता था, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोई फनी मोमेंट या कोई होते हैं सर जैसे न्यू जनरेशन वाले होते हैं, मतलब कोई फनी मोमेंट होता है तो कैसा रहा आपका उनके साथ एक्सपीरियंस? बहुत सारे बच्चे बच्चे होते हैं, जैसे वो कई तो शाई फील करते हैं ना, कई लोग जी जी बोलना पसंद ही नहीं करते, और जी जी वो राइट और एक बच्चे के लिए ना ग्रोथ बड़ी जी जरूरी है। उसे उसे जी कम से कम बोलना तो एक अच्छे से आना ही चाहिए कि वो अपनी बात को कह सके, चाहे वो किसी भी विधा में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, जी जी पर उसे अंदर से बूस्ट अप होना, एक्टिव होना, या खुद को चार्ज करना, या उसकी पर्सनैलिटी का डेवलप होना, तो ये चीजें जी बड़ी जी बड़ी जरूरी है। जैसे कई बच्चे शाई फील करते थे कि जी सर जी नहीं, सर नहीं आऊंगा, सर नहीं, सर। मैंने कहा यार एक बार जी आओ, एक बार बोलो तो जी ठीक रहेगा। वही उन्हीं बच्चों में जब डे बाय डे कुछ कुछ डेवलपमेंट दिखती थी तो खुद भी अच्छा लगता था। दरअसल जी जी मैं जो पर्सनली मैं रहा बड़ा शाई बच्चा था। मैं बड़ा बड़ा मैं ज्यादा बोलता नहीं था, और बात करते करते थोड़ा थोड़ा हिचकिचाहट होती थी, बहुत ज्यादा, जी तो जी उसमें बड़ी मुश्किल रहती थी। तो धीरे धीरे इसके जी साथ भी एक इमोशनल कनेक्शन भी बनता चला गया, और एजुकेशन के साथ भी लगभग जुड़े जी ही रहे। जी जी सर आपने छोटे बच्चों को भी ट्रेन किया है तो उनके साथ कैसा था, जो छोटे बच्चे होते हैं आजकल तो बहुत फास्ट है वो, मतलब शायद देखिए नहीं होते फास्ट होते हैं, तो उनके साथ कैसा लगता था आपको? आपने आई थिंक देखिए स्कूल में पिन देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत सबको ही पड़ती है। जी शिक्षा एक ऐसी चीज है, वो अगर जी उसे कुछ आता है तो और की भी रिक्वायरमेंट होती है हर किसी में, मुझमें भी। आज भी मैं मतलब मैं डेली कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ, पढ़ता हूँ है जी जी ना, उसे जी समझता हूँ, या कुछ जो भी एक दिनचर्या होती है ना, कि जी जी आप अपने को भी टाइम दे रहे हो, आप अपने अपने खुद को भी टाइम दे रहे हो, है ना। तो जी जी इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर किसी को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, जी तो वो जी कुछ भी हो सकता है। बाकी फास्ट के लिए तो यही है कि जी फास्ट रहना चाहिए, पर थोड़ा ठीक रहना चाहिए, वो अच्छा रहता है मेरे को। लंबा जी जी लंबा जिसे कहते हैं, जैसे बहुत जी सारे जी लोग हैं जो जिनको मैं मानता हूँ कि हैं, वो लोग जी उन्होंने अच्छा जी किया लंबा। जी सर आपके फेवरेट एक्टर कौन रहे हैं? फेवरेट एक्टर मेरे थिएटर के जितने भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं वो रहे हैं, और जैसे इरफान खान सर जी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये लोग, इन्होंने संजय मिश्रा जी, जी और भी बहुत सारे, जो मनोज वाजपेयी, वो इनकी जी एक जी मतलब जैसे पहले हमारा नजरिया कुछ और होता था देखने का, जब जी हम लोग फिल्म यार ये फिल्म बहुत अच्छी है भाई, उस फिल्म में भाई बड़ी लड़ाई है, मजा है भाई, देखा तूने? मैंने कहा यार, तो जी अब वो नजरिया हो गया कि यार ये टेक कहाँ से लिया होगा, अच्छा यार जी इसकी जी कास्टिंग अच्छी है, इसका कॉस्ट्यूम अच्छा है कि नहीं है, इसकी लाइटिंग ठीक नहीं है, या फिर इसका म्यूजिक जी थोड़ा थोड़ा म्यूजिक म्यूजिक और फील वाला होना चाहिए। वो मजा कहीं ना कहीं जी हमारा मिस हो गया। वो एक एक्साइटमेंट होती थी पहले फिल्म में, सिनेमा का एक क्रेज होता था, फिल्मों का एक क्रेज होता था, मतलब टिकटों के लिए जी लोग लोग जान दे देते थे, है ना, कि जी टिकट जी टिकट चाहिए, है ना। तो जी उनसे भी कई उन उस वक्त से भी कई लोगों की यादें जुड़ी हुई, जो वो क्रेज जी था। क्रेज अगर अगर जो ये फास्ट हुई है चीजें, उसे वो क्रेज थोड़ा डाउन हो गया। जी तो मेरा पर्सनल ऐसा व्यू है, मैं किसी को नहीं कह रहा, तो जी जी वो उसका थोड़ा डाउन हो गया। वो जो वाव फैक्टर था कि वाह, मतलब एक चीज होती थी यार फिल्म में, एक्टर्स होते थे, जी जैसे जैसे
कई लोगों के स्टाइल हीरो की लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया था, बीच की मांग ये वो, भाई भाई के बाल देख भाई, है भाई आ गया भाई, ये देख सलमान खान खान वाली है ना पैंट देख भाई, ये अक्षय कुमार वाली भाई, तो वो चीजें वो अब क्रेज थोड़ा नहीं रहा, तो वो जी भी जी और कौन होते जा रहा है इंसान के जी। लिए क्रेज बढ़ा सकती है, मतलब जीवन के लिए भी। एक तो एक आपका प्रोफेशन होता है और एक जीवन होता है, जब जब जी आप लाइफ को अच्छे से वो मैनेज करके चलते हो, और यही है। जी और जी बहुत सारी बाकी बॉलीवुड से रिलेटेड तो सबको ही पता है कि वहां का क्या है ना, तो जी वो तो है ही है, वो तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। रिज्म चलता है वहां पे बॉलीवुड या जो भी है वहां पे, जैसे बोलते हैं कि वहां पे नेपोटिज्म चलता है, जो कोई स्ट्रगल करके आता है उनका कुछ नहीं होता है, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे सर? मेरा तो यही मानना है कि लाइफ में ना सहयोग बड़ा जी जरूरी होता है। मुझे नहीं पता नेपोटिज्म क्या है क्या नहीं है, इतना ज्यादा झमेलों में मैं कभी कभी घुसा नहीं, जी और ना कभी कभी वक्त भी नहीं मिला है ना, कभी वैसा जी दौर भी नहीं आया है ना। तो बट उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना काम करते रहिए, आप जी दूसरे को देखोगे या फिर उसे रोकोगे तो फिर उसका भी मजा नहीं। जी जी राइट जो रियल बात होती है वो तो यही कहती है, बाकी आप जैसा मर्जी चल सकते हैं, वो जी आपका जी आपका बिहेवियर है, आप किसके साथ जी कैसे हो। और जैसे कुछ आजकल जी जो चल रहा है और बड़ा बड़ा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि जी हम लोग भी कई लोगों से मोटिवेट होते हैं, जी है जी कि जब जब हम लोग एक 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 जगह ऐसी जगहों से भी आते हैं कि जहाँ पे शायद शायद उसके पूरे पूरे परिवार या फिर दूर दूर तक खानदान में भी पूरे की उसमें कोई किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं, तो वो जी हमें भी डेवलप करते करते वक्त लग जाती है चीज, उसके बाद जी जो भी जी चीजें होती हैं ये तो गलत ही है, ये तो यूनिवर्सल जी गलत जी है, ये इसे मैं गलत नहीं कहूंगा, जी ये तो जी यूनिवर्सल। आप राइट अपना काम करते रहिए बिंदास, और अच्छे अच्छा काम करेंगे तो लोग अच्छे ही कहेंगे, बाकी जी तो सब जी चलता ही राइट रहे, चल ही रहा है जी सब। जी आप खुद के फैन खुद बन सकते हो, अगर मेहनत करोगे तो आप खुद ही, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ बिल्कुल जी, और दिल से बताऊं, अब तक जो कुछ सोचा था जीवन में, क्योंकि बड़ा एक लंबा तो नहीं कहूंगा, जी पर एक जिस सोच को लेकर जाना वहां तक, तो उसके लिए बड़ा अच्छा रहा, मतलब मेरा जी मेरे साथ कुछ ऐसा कि थोड़ा थोड़ा अच्छा होता रहा, और कोशिश करने से ही हुआ। और आज भी हर इंसान, मतलब अमिताभ जी से मैं बात करूं, इतने इतने वो इतने वो आज भी कोशिश ही करते हैं, और जी जो उनके राइट जो जो उनके फादर ने लिखा इतना अच्छा, वो तो गजब की लाइनें हैं। तो जी इन जी सब चीजों से हमें सीखना चाहिए, गेन करना चाहिए जी कि हम आगे कैसे बढ़े, ये ना सोचो कि कोई और क्या कर रहा है, किस ढंग से कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, राइट ये मायने। राइट सर राइट ये आप, क्योंकि आजकल ये सभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, नहीं नेपोटिज्म चल रहा है ये नहीं है, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी को भी देखो, क्योंकि अगर आप वो भी स्ट्रगल करके आए हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी स्ट्रगल करके आए हैं, अब सभी कुछ ना कुछ आता है अपने बच्चों को। जी अब जैसे ना कई सारी लाइनें होती हैं कि सपनों के लिए अपनों को छोड़ना पड़ता है और अपनों के लिए सपनों को छोड़ना पड़ता है, जी राइट तो एक क्योंकि जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट जी अगर किसी का पेरेंट्स सेटल है कुछ मामला किसी भी जी फील्ड में, तो उसके जो भी उसका चाहे चाहे आप उसका बेटा लगा लीजिए, भाई लगा लीजिए, तो जाहिर सी बात है जी उसको वो कम ही प्रोसेस को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज जी का एक जी प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बिना कुछ नहीं होता जी है ना, राइट प्रोसेस में वक्त राइट भी लगता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो जी किसी को रोके है ना, वो आप अपनी वो किसी अगर आपके काम में सच्चाई है तो ठीक है, जी कोई रुकेगा ही नहीं फिर। जी जी राइट और सर जैसे राइट सर जितने भी एक्टर्स रहे उन्होंने प्रूफ किया है, जी लाइक जी बहुत सारे हमारे लिए तो बहुत सारे ऐसे ऐसी मोटिवेशन के लिए चीजें हैं जो लोग जी जी जहाँ से शुरू, क्योंकि जी शुरू कर जी देना चाहिए, बाकी कोशिशें करते रहना चाहिए, एक ही रास्ता रास्ता पकड़े रहना चाहिए, और फिर हो जाता है सब जी जी चीजें। जी सर राइट सर आपका एक थिएटर भी है,
आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी वो चरितार्थ इवेंट्स है और वो थिएटर के लिए काम करता है। दरअसल आर्ट से रिलेटेड जितने भी चाहे वो फोटोग्राफी है, चाहे वो स्टेज के रिगार्डिंग चीजें हैं, क्रिएटिव डांसेस हैं, जी और बेसिकली जी मैं फोक को और जो क्लासिकल चीजें हैं, लाइक उसमें म्यूजिक भी है, उसमें डांस भी है, जी उसमें जी उसमें एक्टिंग भी। तो जी बेसिकली मैं उन चीजों के लिए काम करता हूँ, क्योंकि जी और मुझे मुझे मजा भी आता है उसमें। जी जी और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सबसे पहले एक एक बच्चे को आधार का पता होना बड़ा जरूरी है। लाइक अगर अगर थिएटर है तो हरियाणा में कौन सा थिएटर होता था या फिर कौन सा लोग देखते थे, क्योंकि हर एक चीज की जी एक हिस्ट्री है। तो जी एजुकेशन यही कहते हैं, आप सबसे पहले हिस्ट्री और उसे उसे समझें कि क्या चीज है, तो तभी तभी जी एक तभी एक मजा क्रिएट होता है और उसके साथ एक्शन रिएक्शन होके अच्छा ही निकलता है। वाह सर, फिजिकल मेरा थोड़ा वो थिएटर और फाइट आर्ट फॉर्म्स हैं, इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे फाइट आर्ट फॉर्म्स हैं, और जी मास्क मेकिंग है जो जो इंडिया में चलती आ रही है शुरू से, कई फिल्मों में भी यूज करते हैं लोग, जी जी और बहुत सारी ऐसी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो जो प्राचीन है और बहुत अच्छी हैं आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी वाह सुपर सर, अमेजिंग। आप तो खुद ही दूसरों को इंस्पायर करती हो बहुत ज्यादा। सर जी आपने वर्क बहुत किए हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है जब भी आपने वर्कशॉप हिमाचल में भी किए है, चंडीगढ़, मुंबई वगैरह, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है सर प्लीज देखिए, वर्कशॉप हर जगह में। वर्कशॉप जी में बेसिकली सब चीजें इंक्लूड ही रहती हैं। उसमें उसमें फिजिकल मोमेंट्स होती हैं, बॉडी मोमेंट्स होती हैं, वॉइस ओवर, और जी आपका आपका स्टेज अपीयरेंस कैसी है, स्टेज स्टेज क्या है, स्टेज के पार्ट्स कितने जी हैं, ये भी एक जी चीज है। स्टेज के पार्ट्स होते हैं ना, जी जी तो स्टेज लाइटिंग क्या है, क्योंकि इन सब चीजों से मिलके जो और जो चीज एक लाइव में जब आप देखते हैं मैजिक, वो मैंने मतलब सिनेमा से थोड़ा जी थोड़ा ज्यादा मुझे लगा कि जब आप जी लाइव देख रहे हो किसी, मतलब वो मैजिक ही होता है थिएटर के जी बारे में, तो वो सब चीजों से मिलके बनता है। जी तो इस प्रोसेस में जैसे कई बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि सर मुझे मास्क मेकिंग में इंटरेस्ट है। बेसिकली जी बच्चे की ग्रोथ, वो सिर्फ सिर्फ उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि वो सिर्फ सिर्फ थिएटर ही करे, है ना, जी वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, वो डांस में अच्छा हो सकता है ना, जी वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है। तो जी ये सारी एक्टिविटीज, तो उन्हें उन्हें देखना, उन्हें इसमें ये स्पेशल है, और उसके जी बाद जी वो उसको बताना और वो उसमें बेहतर और उसी में उनका कुछ बेहतर करना, क्योंकि जी वो अच्छा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं वो इंसान मन से करता है, और जो जी चीज मन से होती है ऑब्वियसली वो अच्छी ही होती। जी जी तो ये बच्चों के राइट साथ एक अलग, जितने बच्चे होते हैं उतने ज्यादा उनके एक्सपीरियंस होते हैं, कोई ये करता है, कोई वो करता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई स्ट्रेचिंग अच्छी करता है, कोई जंप अच्छी करता है, कोई जी कोई लाठी अच्छी घुमाता है, कोई मास्क अच्छे बनाता है, किसी की पेंटिंग अच्छी है, तो बहुत सारे जी चीजें रहती। जी जी राइट सर, आज की जैसे न्यू जनरेशन है, सभी एक्टर बनना चाहते हैं, जो सभी ड्रीम्स देखते हैं चाहे जो भी हो, तो आपको क्या लगता है उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हो? लगता है देखिए, सभी का मन ड्रीम से होता करनी है कि चाहिए, जी मन से करनी चाहिए चीजें, बस यही है कि अच्छे से हो, और कुछ मुश्किल नहीं है। मतलब अभी जी तक मतलब ये है कि एक एक इंसान में एक क्रेज होता है किसी चीज का, जब वो चीजें वो देखता है तो क्रेज धीरे 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 सेटल हो जाता है, ये आम बात हो जाती है। ठीक है, आज शूटिंग है, चलो ठीक है शूटिंग है ना, जी आज जी काम है, चलो आज वर्कशॉप है, फिर आज स्टेज पे आ जाना है, आज कुछ करना है, आज कुछ बोलना है, तो वो आम हो जाता है। जी तो जी उसके लिए ये है कि जो भी करें अच्छे से करें, मन लगा के करें और फोकस रहें। फोकस रहना बड़ा जी जरूरी है, जब जी आप किसी जी भी चीज पे फोकस रहते हो तो वो चीजें मिलती हैं। मुश्किलें तो आती जी हैं, अगर अगर लोग कहते हैं कि यार ये मुश्किल थी वो मुश्किल थी, तो मुश्किलें जी वो जी सबके साथ, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाए। जी जी
आजकल कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब ऑडिशन देना चाहते हैं, कई कंपनियां फ्रॉड होती है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि काफी कंपनियां दिल्ली मुंबई में ऐसी है जो पैसे लेती है, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो कुछ काम कुछ नहीं देती कि ऐसे हमारा ये करो, हम आपको थोड़े से शॉर्ट्स लेते हैं कि हमें सीरियल में काम करवाएंगे, फिर मतलब इससे क्या बहुत जो बहुत पुअर लोग होते हैं उन पे बहुत फर्क पड़ता है, तो आप देखिए क्या संदेश देना चाहोगे सर उन लोगों के लिए जो अपने चाहते कि हमारे दोस्त एक्टर बने, टीवी में आए, तो आप उनको भी कुछ संदेश दीजिए? जैसे कोई कंपनियां ऐसी होती है जो पैसे लेती है, तो आप कुछ मैं संदेश तो ये नहीं है, देखिए वो पर्सनल, वो भी सब लोग एक्सपीरियंस से ही गेन होती है वो चीजें, कि जब जी जब जब वो उनको देखता है, समझता है, पहली बार इंसान को लगता है कि यार ये गलत है ना, दूसरी जी बार कोई और से कि यार ये तो गलत है। देखिए ये जी चीजें सिंटा में भी बहुत बार, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत बार उठी कि यार, जी जैसे हमारे सीनियर लोग, कई लोग लोगों से सुनने को मिला, समझने को मिला कि यार ये तो सब ऐसे ऐसे चलेगा ना, जी क्योंकि जी देखिए अगर अगर आपको आपको कई लोग नकली या जाली मिलते हैं तो कुछ लोग अच्छे भी मिलते हैं, बट इससे ये है कि जी कंपटीशन बच्चों, मतलब जो भी लोग जाते हैं वहां पे, वो जी डाइवर्ट हो जाते हैं, मतलब वो जी उनका 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 एक एक है ना, विजन चेंज हो जाता है, क्योंकि डे बाय डे जैसे इंसान वहां पे आता है तो जी परेशानी ना यार, अब क्या होगा है ना, तो जी जी उससे वो डाइवर्ट ही होता है उनके लिए। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले अवेयर रहें, है ना, अवेयरनेस बड़ी जी जरूरी है किसी भी काम के लिए, अवेयर अवेयर होके जी करना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या होगा इससे। जी जी और आजकल तो आसान हो गया, वेबसाइट हो गई है, व्हाट्सएप हो गया है, तो जी फेसबुक पेजेस हो गए, तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा कम हो पहले के मुकाबले। जी राइट, क्योंकि आजकल के सभी चाहते हैं कि हम एक्टर बने, लेकिन हाँ कई ऐसा होता है उनके माइंड पे जब पैसे लेते हैं, एक उनके पास उतने पैसे नहीं होते और हाँ बिल्कुल, टैलेंट होता है, लेकिन आजकल ये लगता है कि पैसा बिकता है टैलेंट नहीं बिकता है, क्या ये सही बात है सर? मुंबई में हर तरह का टैलेंट है, हर तरह जी का, जी और मतलब कहते हैं कि जो, क्योंकि वो एक किस्म से हमारी फिल्म सिटी वहीं पे है बेसिकली, बात ये है। जी जी और जहाँ जहाँ इस काम का प्रोसेस होता है कि यहाँ पे हमारा ये काम हो रहा है, तो जी वहाँ पे लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, यार ये जी काम है, ये काम होता है मुंबई में, तो आप मुंबई चलो, है ना। जी उसके बाद चीजें दिखाई देती हैं कि यार यार ये भी है, यार वो भी है। जब जब मैं पहली बार उतरा था, तो मेरे माइंड में विजन कुछ और ही था मुंबई को लेकर, यार मुंबई जा रहे हैं, भाई भाई मुंबई जाएगा, भाई 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 फोन करूंगा तेरे को भाई। तो जब आप वहां पे जाते हो, देखते हो लाइव, और यार भीड़ बहुत है भाई, यहाँ तो ऑडिशन ही नहीं हो रहा है ना, तो काम तो जी जबकि बात है ऑडिशन देंगे, यहाँ तो ऑडिशन में इतनी भीड़ है, लोग हैं, और जब कभी कोई बड़ा एक ऑडिशन होता था, लाइक लाइक फिल्म का किसका, तो वहां पे जी आपको हर वैरायटी मिल जाएगी, छोटी मूछ वाला, बड़ी मूछ वाला, घुंघराले बालों वाला, जी बड़ा, छोटा, उससे छोटा, तो 2,500-3,000 जी लोग ऐसे ही खड़े हैं, है ना। जी फिर उसके बाद उनको आप क्रॉस करेंगे ना, क्रॉस इट मींस कि जो कास्टिंग डायरेक्टर होगा वो भी उसको देखेगा प्रोसेस को, है ना, यार इतने सारे जी लोग आए, इसमें से बेस्ट कौन है, वो उसमें से 5 5 या 6 लोगों को निकालेगा, तो फिर वो आगे जी सेंड करेगा, वहां पे क्रिएटिव डायरेक्टर होंगे, वो उसे फाइनल करेंगे कि यार हाँ यार ये प्रोसेस है, जी ये जी उसमें से फिर वो फाइनल होता है, फिर वो सेट पे होता है। जी और बस मुझे मुश्किल रही जब जब ये चीजें ब्रेक करनी थी, तो चिड़ियाघर के लिए बड़ी बड़ी वो, क्योंकि वो बड़ा शो था और जी उसके ऑडिशन होते ही नहीं थे, मतलब कि जी कुछ प्रोसेस होता था उनका, और सभी लोग नॉन होते थे उसमें, नॉन फेस, मतलब उस वक्त के नॉन फेस जो थे वो थे। तो उसमें जी फिर बस यही था कि अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस भी हैं, कि आप सीधा प्रोडक्शन हाउस में जाएं, प्रोडक्शन हाउस में जी अप्रोच करें,
खुद की प्रोफाइल दें, कैमरे में आपकी लुक कैसी है, एक आपकी पर्सनल लुक होती है, आप दिखाई जी देते हो, एक आपकी कैमरा लुक होती है, जी तो जी आपकी कैमरा लुक कैसी आ रही है, कि आपकी जी हाइट जी कितनी है, आपके आपकी साइड प्रोफाइल कैसी है, तो वो जी सब चीजें मायने जी जी राइट जी एक अच्छे और जेन्युइन इंसान के लिए। जी सर, आपको नहीं लगता कि हर स्टेट में ऑडिशन होने चाहिए, फिल्म सिटी होनी चाहिए? जैसे मुंबई, सबको मुंबई जाना पड़ता है बहुत दूर से, क्योंकि सबके ड्रीम होते हैं, हर कोई ड्रीम देखता है, चाहे वो रिच उस फैमिली से हो, चाहे पुअर फैमिली से हो, सभी देखते हैं, तो उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इतना दूर जाना। तो आपको नहीं लगता कि हर स्टेट में ऑडिशन हो, हर स्टेट में कास्टिंग डायरेक्टर? ऑडिशंस होने चाहिए। दरअसल अब है ना बहुत सारे हो गए, मतलब जी प्रोसेस जो जी पहले कम लोग अवेयर थे कि ये चीजें होती कैसे हैं। अब जी सबको भी पता है कि ऐसे होती हैं, बट जी कुछ चीजें होती हैं वो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल रियल होती जी जी हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो 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 एक कॉपी कह लें जी एक वो चीज, तो हर तरह जी का तो एक वो होता है। बट जी स्टेट के भी ऐसी सेटलमेंट का होना जरूरी है वैसे कुछ, और सुनने में जी भी आया कि कई सारे स्टेट ऐसे हैं कि जो जो फिल्म सिटी मतलब फिल्म सिटी को डेवलप कर रहे हैं, और उससे सिर्फ ये नहीं है जी कि सिर्फ सिर्फ कोई भी आए तो सिर्फ ये ना सोचे कि सिर्फ एक्टिंग ही एक माध्यम है, उसके पास बहुत जी सारे ऐसी चीजें हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, लाइट लाइटमैन होते हैं, बहुत सारे, ये भी एक एक जेंटल प्रोफेशन है। कैमरा जी कैमरा ऑपरेटर होते हैं, डीओपी होते हैं, वो सारी सारा प्रोसेस तो उन्हीं के हाथ का होता है जी ना, कि जी आप कि ये मैंने टेक लिए हैं और ये ऐसा ऐसा वो स्क्रीन पे दिखता जी है, जी तो होने चाहिए अच्छे तरीके से होने चाहिए, और इससे जी इससे ये फील्ड डेवलप ही होगी और मौका जी मिलेगा लोगों को। जी जी क्योंकि बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो टैलेंट कहीं दिखा नहीं पाते। और मैंने कई आजकल उसमें में देखा जी है, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे जी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उनका टैलेंट फिर वहीं तक रह जाता है, गांव तक ही रह जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कभी कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो वो टैलेंटेड बच्चे आगे जा सके, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए सर। आजकल आजकल जैसे सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया ने जी राइट इतना इतना है, तो उससे भी ऐसा काफी फर्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं, जी उससे जी उससे बहुत सारे हिडन टैलेंट वो बाहर आया लोगों के जरिए, चाहे जी वो बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे जी एप्स है ना जिनके जिनके माध्यम से वो दिखा पाए अपने टैलेंट, और जी जैसे भी जी आप सोशल मीडिया पे तो कई लोगों को मतलब आसानी हुई है, तो एक जी अच्छा अच्छा सोशल मीडिया से बहुत लोगों जी के जीवन में, और एक टैलेंट को ज्यादा ज्यादा एक पोजीशन मिली, राइट जिसे सर, आजकल ये भी है COVID-19 की वजह से तो बहुत कोरोना फैल गया है, तो जो ड्रीम देख रहे हैं वो थोड़ा सा सॉरी गाइस। आई थिंक नेटवर्क की प्रॉब्लम से सर जुड़ नहीं पा रहे। आप भी जो भी शो देख रहे हो, अगर कोई भी ऐसा टैलेंटेड बच्चे हो, चाहे जो भी हो, आप शेयर कर सकते हो। डिस्कनेक्ट हो गए थे थोड़ा आप। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। सर थोड़ा सा फिर आप बताइए कि जैसे आजकल मुंबई में बेटा COVID-19
जितने भी जो एक्चुअली भी कुछ ड्रीम्स कुछ देखते हैं नेटवर्क इशू हो साल रहा है। होने आए, आजकल बहुत टेंशन में है, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? आपको आवाज आ रही है? सर आपको आवाज आ रही है? सॉरी गाइस, नेटवर्क की प्रॉब्लम से वो जुड़ नहीं पा रहे। थैंक यू सो मच अनिल सर, आप मेरे शो में आए और आपने इतना अच्छा एडवाइस दिया। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड थैंक यू ऑल ऑफ गाइस, आप मेरा शो देख रहे हो।